शपथ ग्रहण के एक दिन पहले तक बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी। राजनाथ सिंह से मिले, उनके आवास पर पहुंचे अनंत कुमार और राजीव प्रताप रूडी। एक घंटे की मुलाकात के बाद वापस लौटे अनंत कुमार। गाजियाबाद से सांसद का चुनाव जीते जनरल वीके सिंह ने भी की राजनाथ सिंह से मुलाकात। सुबह आवास पर पहुंचकर की बातचीत। दिलीप राय ने भी की राजनाथ सिंह से मुलाकात। एनडीए के घटक टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी की राजनाथ सिंह से मुलाकात। मोदी कैबिनेट में जगह बनाने की देखी जा रही है कवायद। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से मिलने पहुंचे गुजरात भवन। नरेंद्र मोदी से मिलकर की बातचीत। बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी। गोपीनाथ मुंडे और सत्यपाल सिंह ने भी की नितिन गडकरी से मुलाकात। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग ने पहुंचे आरएसएस मुख्यालय। संघ नेताओं से की मुलाकात। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले गुजरात भवन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गुजरात भवन पर तैनात की गई बीएसएफ। एसपीजी ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे। ठाकरे के मंत्री पद की शपथ लेने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। नवाज को न्यौता देने से नाराज हैं उद्धव। सीबीआई नेता अतुल अंजान ने मोदी को बताया अधिनायकवादी। कहा मोदी चाहते हैं शपथ ग्रहण में पहुंचकर सभी प्रदेशों के सीएम और राज्यपाल उनके सामने हो दंडवत। नरेंद्र मोदी जी की ये आशा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे के सारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनके आगे दंडवत हों, क्योंकि उनकी सोच एक अधिनायकवादी सोच है और पूरे के पूरे चुनाव अभियान में जिस तरह के उन्होंने भाषण दिए हैं उससे तो यही लगता है। अब भले विनम्रता के प्रतीक बन जाए। कांग्रेस की हार और सोनिया गांधी के लिए बोले अतुल अंजान। कहा जनविरोधी कार्यक्रम और विचारधारा छोड़ने की वजह से धराशायी हुई कांग्रेस। कांग्रेस फेल नहीं, धराशायी हो गई। कांग्रेस अपने आदर्शों के को छोड़ करके जो गैर जनविरोधी कार्यक्रम लेकर आई उससे जमींदोज हो गई है। पाकिस्तान ने रिहा किए 59 भारतीय मछुआरे। सोमवार को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले किए जाएंगे सभी मछुआरे। कराची की मरीन जेल में कैद थे मछुआरे। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुसने पर किया गया था गिरफ्तार। मनोनीत प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होने से पहले भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा श्रीलंका। राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने लिया फैसला। उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से खबर। मोदी के कैबिनेट में होंगे 25 मंत्री। 29 मंत्रियों तक भी जा सकती है संख्या। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में शामिल हो सकते हैं रेलवे, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय। सुरक्षा कैबिनेट कमेटी का हिस्सा हो सकती है सुषमा स्वराज, या फिर दिया जा सकता है विदेश का रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह को भी मिल सकता है गृह मंत्रालय। मुरली मनोहर जोशी को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। कैबिनेट में जगह मिलने पर सीसीएस में नहीं दी जाएगी हिस्सेदारी। अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय मिलने की उम्मीद। आडवाणी का ऊंचा कद देखते हुए अभी नहीं किया गया फैसला। पार्टी नहीं चाहती स्पीकर बनाना। मोदी सरकार के मंत्रियों की सूची लगभग तैयार। आज राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों को सौंपी जाएगी सूची। राष्ट्रपति भवन से जाएगा निर्वाचित होने वाले मंत्रियों को न्योता। मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं कई वरिष्ठ नेता। सूत्रों के मुताबिक बड़े नेताओं को दी जा चुकी है मंत्री पद और विभाग की सूचना। आज शाम तक सभी मंत्रियों को भेजा जाएगा न्योता। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ, सुषमा, गडकरी, जेटली और अरुण शौरी को मिलेगा अहम मंत्रालय। बीजेपी का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगी जगह। मंत्रिमंडल के गठन के लिए मोदी की खास रणनीति। सूत्रों के मुताबिक जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले राज्यों से जीते सांसदों को तरजीह। कम जनाधार वाले राज्यों पर भी मोदी की नजर। जीते सांसद बनाए जा सकते हैं मंत्री। जनाधार बढ़ाने का इरादा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सिस्टम खत्म कर सकते हैं मोदी। खास राज्यों के लिए बनाया जा सकता है एक विशेष मंत्री।
सूत्रों के मुताबिक मोदी गठित करेंगे 28 विशेषज्ञों की टीम, कैबिनेट के प्रमुख मंत्रालयों को टीम देगी मदद। कुछ मंत्रालयों के पुनर्गठन और कुछ के विलय की भी खबर। कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने पर भी होगा जोर। छब्बीस मई की सुबह भारत पहुंचेंगे नवाज शरीफ। सुबह 11 बजे पालम एयरपोर्ट पर उतरेगा शरीफ का विमान। अपने दो बेटों सहित शपथ ग्रहण में आ रहे हैं नवाज शरीफ। साथ में होंगे सरताज अजीज, विशेष सहायक तारिक फतेमी, विदेश सचिव एजाज चौधरी और पाक पीएम सचिव जावेद असलम। पालम से सीधे ताज मानसिंह होटल पहुंचेगा पाक, मेहमानों का काफिला। होटल में पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारियों से नवाज शरीफ करेंगे मुलाकात। शाम 4 बजे नवाज शरीफ करेंगे मीडिया से बातचीत। 6 बजे सरताज अजीज और तारिक फतेमी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शरीफ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी होगी मुलाकात। 27 मई को हैदराबाद हाउस में अधिकारियों सहित मोदी से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आधे घंटे तक चल सकती है बातचीत। आखिरी पलों में कार्यक्रम में बर्ताव संभावित। सूत्रों के मुताबिक मोदी नवाज की द्विपक्षीय वार्ता में मोदी के साथ रह सकते हैं नवनिर्वाचित विदेश मंत्री। मोदी के शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। मोदी ने भेजा था न्योता। शपथ ग्रहण में शरीक होंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे। एनडीए के सहयोगी दल एमडीएमके के नेता वाइको ने किया था विरोध। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भी करेंगे शिरकत। भूटान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की पहली लोकसभा स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी भी आएंगी भारत। मोदी के स्वागत को तैयार है सरकारी प्रधानमंत्री निवास। 7 RCR रंग रोगन करके हुआ तब पूरा। मोदी पूजा के बाद करेंगे 7 रेसकोर्स में प्रवेश। मोदी के शपथ ग्रहण के दिन निवास खाली करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कल हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी फिर चुनी गई। संसदीय दल की नेता सोनिया ने पार्टी नेताओं को दी हिदायत। सोनिया ने कहा पार्टी फोरम में ही दर्ज कराएं शिकायत, नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से किया सावधान। कांग्रेस के भीतर राहुल की नीतियों पर छिड़ी है बहस। सूत्रों के मुताबिक SMS स्कीम, सिपाही योजना के साथ ही उम्मीदवारों के चयन पर भी उठ रही है उंगली। BJD की संसदीय बैठक में फैसला, मोदी सरकार और कांग्रेस से बढ़ती जाएगी रणनीतिक दूरी। BJD ने कहा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हितों पर केंद्र सरकार से सहयोग लिया भी जा सकता है और दिया भी। BJD की बैठक में नवीन पटनायक को राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी का नेता चुना गया। सेवी के क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज बंद करने से छोटे कारोबारियों को परेशानी, पारदर्शिता लाने के लिए सेवी ने लिया फैसला। करावल नगर में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश दुकानदारों को मारी गोली, शनिवार शाम को हुई वारदात। TMC के लिए पश्चिम बंगाल में BJP बनी दुश्मन नंबर 1। वर्धमान में TMC कार्यकर्ता ने BJP नेता को पीटा। BJP के आरोप जनता की सुन रहे थे समस्या, तभी लाठी डंडे लेकर पहुंचे TMC कार्यकर्ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से उगाही की मांग करने वाला दबोचा गया, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, 5 लाख की मांग की थी। तो गाजियाबाद में कविनगर के थाना इंचार्ज अरुण कुमार सिंह पर रिटायर्ड फौजी की पिटाई का आरोप, फौजी बिजेंद्र के घर जाकर की पिटाई। अरुण कुमार के पत्नी की गाड़ी फौजी बिजेंद्र कुमार की गाड़ी से भिड़ी थी, मामूली टक्कर के बाद बड़ा विवाद, फौजी को कई घंटे हिरासत में रखने का भी आरोप। दिल्ली में नागालैंड की महिला से छेड़खानी, वकील पर आरोप, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर की छेड़छाड़। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले दिल्ली फ्लाईवे पर युवकों ने युवती की कार में मारी टक्कर, टोलकर्मी से मदद मांगने पर युवती और उसके परिवार से टोलकर्मी ने की बस चली। युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद कार में टक्कर मारकर फरार हुए युवक तमाशा देखते रहे DND फ्लाईवे के टोलकर्मी।
बिहार के हाजीपुर में परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने मचाया उत्पात। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटो और ट्रकों में लगाई आग। आईआईटी की परीक्षा देने पहुंचे थे छात्र, ऑटो चालकों और छात्रों के बीच किराए को लेकर भड़का विवाद। मारपीट में कई छात्र और ऑटो चालक घायल। कोलकाता ने हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बनाए थे। कोलकाता ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य। कोलकाता की ओर से यूसुफ पठान ने खेली पठानी पारी। मैच 22 गेंद में जड़े 72 रन, 5 चौके और 7 छक्के उड़ाए। कोलकाता को पॉइंट टेली में दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए 15 ओवर में 2 गेंद में लक्ष्य हासिल करना था। 14 ओवर 2 गेंद में हासिल किया लक्ष्य। यूसुफ ने डेल स्टेन के 1 ओवर में जड़े 26 रन शानदार प्रदर्शन के लिए मिला मैन ऑफ द मैच। कोलकाता की टीम अब पंजाब के खिलाफ खेलेगी प्लेऑफ मुकाबला। ईडन गार्डन में होगा मैच। भारत बालिका ने बनाया सबसे कम उम्र में एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश की पूर्णा ने 13 साल 11 महीने की उम्र में किया एवरेस्ट फतह। आंध्र के निजामाबाद में आदिवासी परिवार से है पूर्णा, सरकारी स्कूल में कक्षा 9 में छात्रा है। उड़ीसा के कोरापूत से पुलिस बीएसएफ की साझा कार्रवाई में एक माओवादी गिरफ्तार, माओवादी के पास से विस्फोटक बरामद। अमेरिका की कैलिफोर्निया में चलती कार में गोलीबारी, 6 लोगों की हुई मौत। कैलिफोर्निया में कार से भागते वक्त हादसे का शिकार हुआ हमलावर गंभीर रूप से घायल होने के बाद हुई मौत।